बाबा मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता उसको ये बात किसने बताई है। मैंने नहीं बताई उसको ये बात। फिर नवाल को किसने बताया उस लड़की के बारे में? तो ये दोनों मिलकर कसीदा खानी कर रहे होंगे, सुन लिया होगा उसने कुछ। इसके तो गम ही नहीं खत्म होते। ऐसा क्या है उस लड़की में? आप ही प्लीज, आप इस मामले में नहीं बोलेंगे, खुदा के लिए आप नहीं बोलेंगे कुछ भी। आपने उस लड़की को देखा? किस तरह से रह रही है वो, जानों में रह रही है वो। और मैं आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से एक बदतमीज और बेहुदा लड़की के साथ रहने मजबूर हूं। गुस्सा करने की बजाय ये बताओ कि दो माह हुए तुम्हारी शादी को और तुम्हारे माजी के बारे में उसे सब कुछ पता चल गया। अम्मी, अम्मी मेरी गलती है, मैंने भाई को उदास देखा, दिहानी में शायद उजाला के बारे में बात कर ली, हो सकता है तभी सुना। मेरी गलती है, इसमें भाई की कोई गलती है नहीं। अपना मुंह बंद रखा करो तुम। अब देखना, अपने माँ बाप के घर जाके ना वो एक की दस दस लगाएगी। क्या जवाब देंगे हम उन्हें? शर्मिंदा करके रख दिया सबके सामने। अच्छा ठीक है, हो गया ना जो होना था, अब बताएं क्या करना है। इसी वक्त जाओ और मना के उसे वापस लेकर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसको मनाने के लिए। तुम्हें जाना होगा, कसूर तुम्हारा है, उसको उसकी जगह नहीं दे रहे। पत्नी किन पुराने लोगों को अपने दिलो दिमाग में भरा हुआ तुमने? नहीं भूल पा रहा पुराने लोगों को तो बताए मैं क्या करूं, नहीं निकाल सकता ना दिमाग से। मोहब्बत करता हूं मैं उजाला से, और आप लोगों की खुशी की वजह से मैं सांसें तो ले रहा हूं लेकिन जी नहीं पा रहा। और उजाला के बगैर मैं जी भी नहीं पाऊंगा। भाई क्या हो गया इस लड़के को?